हाय, पिछली वीडियोस के अंदर हम सेक्शन 44 तक कवर कर चुके हैं सीपीसी का। अब हम सेक्शन 44 से आगे समझेंगे। हमने सेक्शन 36 से 44 कवर कर लिए और एग्जीक्यूशन के बारे में हमें सेक्शन 36 से लेकर 74 के अंदर दिया गया है। तो हमने सेक्शन 36 से 44 कवर कर लिए। अब हम सेक्शन 45 से समझ रहे हैं कि सेक्शन 45 से आगे क्या समझाया गया है। इन सेक्शंस के अंदर समझाया गया कि मान लीजिए कि जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट इंडिया से बाहर कराना है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, या प्रिसेप्ट क्या होता है, कैसे प्रिसेप्ट इशू किया जाता है, या किन क्वेश्चंस को एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोर्ट डिटरमाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इन सेक्शंस के अंदर सीखेंगे। तो हम सबसे पहले सेक्शन 45 को समझते हैं कि सेक्शन 45 के अंदर क्या समझाया गया है। सेक्शन 45 बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, की जो हमने हमारी डिक्री है उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है, इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट कराना है। So much of the following sections of this part as empowers a court to send a decree for execution to another court, जैसे कि इस जो पार्ट के जो पार्ट टू जो हम इसको पढ़ रहे हैं जो कि एग्जीक्यूशन से बात करता है, जैसे कि इसके सारे और प्रोविजंस एम्पावर करते हैं कोर्ट को दूसरे कोर्ट के पास एक डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजने के लिए। Shall be construed as empowering a court in any state to send a decree for execution to any court established by authority of the central government to which the state government has been notification in the official gazette declared this section to apply. तो वैसे ही power उस court के पास भी है कि वो किसी ऐसे court को ये decree execute करने के लिए भेज सकता है जो कि India से बाहर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, हमारे ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया है कि उस स्टेट के ऊपर जहां पे भी वो कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है उसके ऊपर ये वाला जो सेक्शन है वो अप्लाई होंगे। तो उन कोर्ट्स के ऊपर भी जो हमारे इस कंट्री का कोर्ट है वो एग्जीक्यूशन की डिक्री भेज सकता है कि आप इसको एग्जीक्यूट कराइए, डिक्री को वहां सेंड कर सकता है कि आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराइए। तो ये हमें सेक्शन 45 के अंदर बताया गया। अब सेक्शन 46 के अंदर क्या बताया गया, प्रिसेप्ट के बारे में बताया गया। अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, प्रिसेप्ट के अंदर क्या होता है कि जो डिक्री होल्डर होता है वो कोर्ट से ये कहता है कि आपने मेरे फेवर के अंदर एग्जीक्यूशन की डिक्री पास की है मेरे फेवर के अंदर, तो अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी जिसको एग्जीक्यूट कराना है, जिस प्रॉपर्टी से एग्जीक्यूट कराना है, ये जो भी चीज़ है वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, वो किसी और ज्यूरिसडिक्शन में है। तो डिक्री होल्डर कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन रखता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्रिसेप्ट इशू कीजिए। प्रिसेप्ट का मतलब एक प्लान दीजिए, एक नीति दीजिए जो कि आप दूसरे कोर्ट को देंगे जो जिसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ है वो आती है और वो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। तो यही बताया गया है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, कि जब डिक्री होल्डर एप्लीकेशन लगाएगा कोर्ट के पास, विच पास द डिक्री मे, कि जिसने भी वो डिक्री पास की थी वो क्या कर सकता है, मे वर्ड यूज हुआ है, वेन एवर इट थिंक्स फिट, जब भी उसको सही लगेगा, जरूरी नहीं है कि वो करेगा, इशू अ प्रिसेप्ट टू एनी अदर कोर्ट, कि वो किसी और किसी भी कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू कर सकता है विच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट सच डिक्री, जो भी कॉम्पिटेंट होगा उस डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। कॉम्पिटेंट कब होगा, जब वो जो भी उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी या जो भी चीज है वो आती हो तभी वो उसको एग्जीक्यूट करा पाएगा। टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर एंड स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट, और बेसिकली जो प्रिसेप्ट इश्यू होता है वो किस लिए होता है, ताकि उस जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, अटैच हो सके। तो अटैच करने के लिए प्रिसेप्ट इशू किया जाता है कि आप इस तरीके से इस डिग्री को एग्जीक्यूट किए, कैसे इस प्रॉपर्टी को अटैच करके इसको एग्जीक्यूट कराइए जो कि जजमेंट डेटर से रिलेटेड है। द कोर्ट टू विच द प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन रिगार्ड टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो वो उसी हिसाब से जो भी प्रिस्क्राइब रूल्स है उसके हिसाब से उसको अटैच कर लेता है। साथ ही साथ यहाँ क्या बताया गया, प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर द प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 मंथ्स, कि जो ये प्रिसेप्ट के अंदर जब अटैचमेंट की जाएगी, प्रिसेप्ट के हिसाब से अटैचमेंट की जाएगी उस कोर्ट के जरिए, तो वो 2 मंथ से ज़्यादा की अटैचमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर वो कोर्ट डायरेक्शन देगा कि आप इसको बढ़ाइए तो वो अटैचमेंट का पीरियड बढ़ भी सकता है।
unless the period of the attachment is extended by an order of the court which passed the decree, or unless before the determination of such attachment the decree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the decree holder has applied for an order for the sale of such property. कि वही जो कोर्ट है जिसने भी वो डिक्री पास की थी वही कोर्ट एक्सटेंड करेगा टाइम कि आप इसको और पीरियड के लिए भी अटैच करके रखिए. और ये जो प्रिसेप्ट के बारे में आपसे अगर आप प्री के एग्जाम देते हैं तो प्री के एग्जाम के अंदर भी आपसे प्रिसेप्ट के बारे में वो जरूर पूछेगा क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो प्री के एग्जाम्स में पूछा जाता है. फिर टॉपिक आता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री. अब जोन सा भी कोर्ट जब एग्जीक्यूट कर रहा है डिग्री को तो किन क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकता है, तो बेसिकली वो तीन क्वेश्चंस, तीन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकता है. तो हम सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं कि वो किन चीजों को डिटरमाइन कर सकता है. तो सबसे पहले सेक्शन 47, सेक्शन 47 क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री. ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डिग्री वॉज पास्ड. कि कोई भी क्वेश्चन अगर उन पार्टीज के बीच में आएगा जिनके बीच में डिग्री पास हुई थी और देयर रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एंड रिलेटिंग टू द, अब तीन चीजें बोली एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री. तो किन चीजों से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चंस, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होंगे या डिस्चार्ज से रिलेटेड होंगे या सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री से रिलेटेड होंगे. Shall be determined by court executing the decree and not by a separate suit. इसके लिए कोई separate suit नहीं file किया जाएगा, तो court उसको वैसे ही determine किएगा जैसे कि simple suit में करता है. और वो किस चीज़ से related होनी चाहिए, execution से related होनी चाहिए, किसकी, वो जो decree है उसके execution से, या कोई भी discharge से related है, या फिर satisfaction of the decree से related है. तो उनको question, इन questions, इनसे related कोई भी questions होगा तो court उसको determine करेगा. इसके लिए कोई भी separate suit court में file नहीं होगा. फिर सब रूल थ्री क्या कह रहा है, वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी. कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो पर्सन है क्या ये रिप्रेजेंटेटिव है पार्टी का या नहीं है, सच क्वेश्चंस शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट. तो इस क्वेश्चन को भी या ऐसे किसी क्वेश्चन को भी जो है कोर्ट डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे इसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन दी गई है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटी हू सूट हैज बीन डिसमिस्ड एंड द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम द सूट हैज बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट. कि जिसकी प्लेंटी जिसका केस जो है डिसमिस हो गया और जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसमिस हो गया तो वो भी क्या कहलाएंगे, पार्टीज टू द सूट कहलाएंगे. एक्सप्लेनेशन टू दी गई है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री शैल बी डीम्ड टू बी पार्टी टू द सूट इन विच द डिक्री इज पास्ड. कि जब एग्जीक्यूशन किया गया उस समय जो प्रॉपर्टी थी जजमेंट डेटर की जब वो बेची गई तो जिस पर्सन ने खरीदी वो पर्सन भी क्या बन जाएगा, पार्टी टू द सूट बन जाएगा. ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच परचेजर और हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा जो डिलीवरी of possession of such property to such purchaser or his representative, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर क्या क्वेश्चन आएगा, कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड होगा, डिलीवरी ऑफ पोजिशन से रिलेटेड होगा उस प्रॉपर्टी को जो कि परचेजर को ट्रांसफर करनी है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर दिया, तो उसको भी हम यही मान लेंगे कि वो किस से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन से, डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और उसको यहीं पे डिटरमाइन किया जाएगा, उसके लिए कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जाएगा. उसके बाद सेक्शन 48 आता है जो कि रिपील कर दिया गया है, उसके ऊपर अब लिमिटेशन एक्ट चलता है. इसके अंदर एग्जीक्यूशन बेयर्ड इन सर्टेन केसेस के अंदर टाइम लिमिट बताई गई थी जो कि अब लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से होती है. फिर सेक्शन 49 आता है, इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव. 49 के अंदर ट्रांसफरीज बताया है और 50 के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बताया है. सेक्शन 49 के अंदर बताया कि ट्रांसफरी के बाद वो के पास वो सारे राइट्स होंगे इक्विटी से रिलेटेड जो कि एक जजमेंट डेटर के पास होते किसके अगेंस्ट, डिक्री होल्डर के अगेंस्ट. एवरी ट्रांसफरी ऑफ डिक्री शेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज. की हर एक ट्रांसफरी के पास जो भी ट्रांसफरी है डिक्री का शेल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज. उसके पास सेम राइट्स होंगे अगर कोई राइट्स हैं इक्विटी से रिलेटेड
विच द जजमेंट डेटर माइट हैव एनफोर्स अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर, जो कि जजमेंट डेटर ने, जजमेंट डेटर का एनफोर्स कर सकता था उन राइट्स को ओरिजिनल डिक्री होल्डर के अगेंस्ट. फिर आता है सेक्शन 50, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड, कि जजमेंट डेटर मर गया जब उस डिक्री को फुली इन्फोर्स होने से पहले ही. द होल्डर ऑफ द डिक्री में अप्लाई टू द कोर्ट विच पास इट टू एग्जीक्यूट द सेम, तो जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कराइए अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज, कि जो भी इसके आगे का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जजमेंट डेटर का, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इसके अगेंस्ट, तो बोलेगा डिक्री होल्डर कि आप इसके अगेंस्ट इसको एग्जीक्यूट कराइए. लेकिन वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जब उस डिक्री को उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, ही शैल बी लाइबल ओनली टू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज विच हैज कम टू हिज हैंड, तो वो सिर्फ उतने ही लेवल तक वो एनफोर्स कराया जाएगा जितनी प्रॉपर्टी उसको अपने उस डिक्री होल्डर से मिली है जो कि मर गया है. सो सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए वो लाइबल होगा उस डिक्री होल्डर के अगेंस्ट. तो जो जजमेंट डेटर मर गया उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी के लिए लाइबल होगा जितनी उसको जजमेंट डेटर से मिली है. एंड हैज नॉट बीन ड्यूली डिस्पोज ऑफ एंड फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग सच लाइबिलिटी, और फिर वो लाइबिलिटी पता करने के लिए कि इसकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, इसको कितनी प्रॉपर्टी अपने जजमेंट डेटर से मिली है उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री मे ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर, कि ये कोर्ट को खुद लगता है या फिर जो डिक्री होल्डर है उसके कहने पे कंपेल सच लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू प्रोड्यूस सच अकाउंट्स एज इट थिंक फिट्स, तो वो उसको बोल सकती है कि आप अपने अकाउंट्स प्रोड्यूस करिए जैसा कि जैसा भी आपको ठीक लग रहा है, मतलब कि कोर्ट को जैसा भी ठीक लग रहा है वो उस हिसाब से उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बोलेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब अकाउंट्स को प्रोड्यूस करिए कि आपको कितनी प्रॉपर्टी या किस हिसाब से आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि आपको अपने लीगल जजमेंट डेटर से मिली है, ताकि वो कोर्ट को पता चले कि कितनी प्रॉपर्टी मिली है और उसकी उतना ही एग्जीक्यूट कराए. तो यहाँ पे हमने सेक्शन 50 तक कवर कर लिया. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 51 से आगे के सेक्शंस कवर करेंगे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड.